अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक विंग ब्रिज के जो इंडिकेटर है उसकी मैं आपको कैलिब्रेशन बताने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये स्कैमी का इंडिकेटर है जिसका मॉडल नंबर IPC50 है। तो आज जो है मैं इसको आपको इसकी कैलिब्रेशन भी बताऊँगा, उसके अलावा इसके डेसिमल पॉइंट, इसके कंप्यूटर की सेटिंग, उसके कंप्यूटर के कनेक्शन और इसके इंडिकेटर के जो कनेक्शन, लोड सेल के जो कनेक्शन हैं, और उसके अलावा इसकी जितनी भी कंप्लीट सेटिंग है वो कंप्लीट चीज़ों के मुताबिक बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखते रहिएगा। उसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फ़ौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम लोग जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी स्केल परचेज़ करना चाहते हैं या कोई ऐसा स्केल जो आप लोगों से रिपेयर नहीं हो रहा, तो अगर आप लोग उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर ऊपर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप करके हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों इसकी कम्प्लीट सेटिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन वगैरह बताता चलूँ। इसके जो कनेक्शन हैं ये आप देख सकते हैं कि जो एक्सीटेशन है वो डाउन वाली साइड पर ये एक्सीटेशन हो गई, एक्सीटेशन प्लस है, ये एक्सीटेशन माइनस है, ये सिग्नल प्लस है, सिग्नल माइनस है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर के कनेक्शन आप देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये TX है और ये 0 वोल्ट है। तो ये इसके कंप्यूटर वगैरह के कनेक्शन हैं। और उसके अलावा इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट प्रिंट लगाना चाहते हैं, प्रिंटर लगाना चाहते हैं तो ये इसके प्रिंटर के TX PR ये प्रिंटर के इसके कनेक्शन हैं। ये RX है, CTR है, उसके अलावा जो हैं ये इसके सप्लाई के कनेक्शन हो गए हैं। ये सप्लाई में अगर बैटरी लगती है ये बैटरी के कनेक्शन हैं, और ये डायरेक्ट जो सप्लाई आ रही है ये उसके कनेक्शन हैं। उसके अलावा ये अर्थ इसमें हमने लगाई हुई है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी कैलिब्रेशन सीखते हैं। कैलिब्रेशन इसकी कैसे है कि जब इंडिकेटर ऑन होगा तो सबसे पहले हमने इंडिकेटर को ऑफ़ कर देना है। ये इस टाइम इंडिकेटर ऑफ़ हो गया है, हमने सबसे पहले ऑन करना है इंडिकेटर को और हमने टी के बटन को प्रेस करना है। ये टाइप आ जाएगी यहाँ पर, हमने टाइप से यहाँ पे दो दफ़ा टेयर का बटन दबाना है, सेटअप आ जाएगा। सेटअप के अंदर हमने एंटर हो जाना है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अगर हमने कंप्यूटर की सेटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ से हम सीरियल में कंप्यूटर वगैरह की सेटिंग, ये PC सेट और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बैक आ जाते हैं, यहाँ से हमने चेंज करते हुए सेटअप में आ जाएंगे। यहाँ सेटअप में हमने एंटर हो जाना है, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन में हमने आ जाना है। ये पैरेलल आ गया, यहाँ से चेंज करते हुए हमने कैलिब्रेट में हमने एंटर हो जाना है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये इसकी डेसिमल पॉइंट आ गए हैं, ये इसके KG में चल रहा है, यूनिट इसका KG है, ये इसकी डिवीज़न 10 है। उसके अलावा ये रेंज आ गई, टोटल कितनी कैपेसिटी 80 टन के ऊपर हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है। और इसकी 0 कैलिब्रेशन, NT ये 1 है, TP 0 में जो है हमने 0 कैलिब्रेट इसको कर लेंगे। उसके अलावा ये 0 कैलिब्रेशन इसकी ओके हो गई है। उसके अलावा DDT 1 आ जाएगा, जब DDT 1 आ जाएगा तो हमने यहाँ पर गाड़ी का वज़न लिख देना है। यहाँ पे फर्श करें, हमारी गाड़ी का वज़न 22100 है, वो हमने 22100 कर देना है और हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका वज़न गाड़ी को खड़ा कर देना है। उसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो ये इसकी कैलिब्रेशन कम्प्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से हम जब बाहर जाएँगे C के बटन पर हमने बिल्कुल बैक पर चले जाना है। तो आप ये देखेंगे इसकी कैलिब्रेशन कम्प्लीट हो गई है और ये 0 करने के बाद ये वेट शो कर देगा। ये 22080 यानी 22100 पे सेट किया था, थोड़ा बहुत प्लस माइनस यानी माइनस में गया हुआ है, असल में प्लेटफॉर्म अभी सही सेट हुआ हुआ नहीं है। ये हमने 0 कर देंगे और 0 करने के बाद हम दोबारा चढ़ाएंगे तो ये 22100 हमें पूरा दे रहा है, 22110 जो है वो हमें दे रहा है। ये आप मॉडल देख सकते हैं कि इसका मॉडल जो है स्कैमी का इंडिकेटर है, इसका मॉडल है IPC50 इसका इंडिकेटर है। तो ये जो है इसकी ये सेटिंग थी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को जो है इसकी कैलिब्रेशन वगैरह का पता लग गया होगा। और अगर आप लोगों को किसी भी इंडिकेटर के मुताबिक कोई भी चीज़ पूछनी है या अगर आप कोई भी इंडिकेटर या लोड सेल या कोई जंक्शन बॉक्स वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे रेट भी बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं और उसके अलावा
हम ऑनलाइन सर्विस देते हैं। आप कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में अगर आप कोई भी चीज़, आपको विंग से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ऊपर जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप हमारे से व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।